नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राहुल गांधी को लेकर तरह तरह की खबरें हम सबके सामने आ रही है। राहुल गांधी देश के पीएम बनेंगे कि नहीं, इस बात पर अब सर्वे भी आ गया। चलिए जरा पूरा सर्वे क्या है आपको बता देते हैं। अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में से जो मुकाबला करने के लिए बने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के संयोजक के नाम की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। कई नामों को लेकर चर्चा भी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है। इस बीच एक सर्वे किया गया जिसमें इंडिया के संयोजक के लिए लोगों ने अपनी पहली पसंद का खुलासा किया, जिस पसंद के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। दर्शकों, आपको बता दें, किसी वोटर की ओर से किए गए एक सर्वे के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि संयोजक के लिए जिस नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है उसे काफ़ी कम वोट मिले हैं। सर्वे में लोगों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर सवाल पूछा गया। इसके मुताबिक सबसे ज़्यादा लोगों ने राहुल गांधी को पहली पसंद बताया, जबकि नीतीश कुमार के नाम पर सिर्फ 12% लोगों ने ही सहमति जताई। आपको बता दें कि सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि क्या इंडिया का संयोजक जिसको बनाया जाना चाहिए। इसके जवाब में 31% लोगों ने कहा कि उनकी पहली पसंद राहुल गांधी हैं। वहीं 12% लोगों ने कहा कि विपक्षी के गठबंधन की कमान नीतीश कुमार को दे देनी चाहिए, जबकि 8% ने बताया कि वे चाहते हैं कि ममता बनर्जी संयोजक बने। 8% लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल और 6% लोगों के लिए शरद पवार पहली पसंद है। इसके अलावा 33% लोगों ने पता नहीं कहकर जवाब नहीं दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी जो है सही में पीएम बन पाएंगे, मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे, और इन सब चीज़ों के लिए पहले उन्हें चुनाव जीतना पड़ेगा और उससे भी पहले सदस्यता वापस लेनी पड़ेगी, जो कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़।